आज मैं तुम लोगों के काम से बहुत खुश हूँ। चाची चाची भूख लगी है। अरे हाँ, अब तुम्हारी आधी छुट्टी, तुम लोग खाना खाओ, मैं अभी आती हूँ। मैं चाचा की दुकान पे जा रही हूँ, ठीक है? भावना भावना, सोनू को भूत ने पकड़ लिया, मैं जा बाबा के पास जा रहा हूँ। छोटू, जाए दुकान का सामान लेकर। अरे तुम और यहाँ? आपको होश तो रहता नहीं, आज अपना लंच बॉक्स घर ही बुलाए थे, इसलिए हमको ये आपका खाना लेकर आना पड़ा। लेकिन इसमें गलती तुम्हारी है। जब तुम हमारे आसपास होती हो तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। फिर ये तो एक मामूली सा लंच बॉक्स है। वैसे तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों जी? अरे पगली, गांव देहात में नई नवेली दुल्हन बिना पर्दे के बाजार में नहीं आती। नई नवेली कहाँ, पूरे 3 साल हो गए हमारी शादी को। अरे लता, ये गांव है गांव, और यहाँ पर घर की बहुओं को कायदे कानून में रहना पड़ता है। अच्छा जी, सारे कायदे कानून खाली बहुओं के लिए, तभी तो हम कहते हैं कि गांव में शिक्षा की बहुत जरूरत है। फिर शुरू हो गई। अरे बाबा बंद करो, आए दिन तोते की तरह एक ही बात दोहराती रहती है, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। अच्छा बाबा, हम आपकी मनपसंद आलू की सब्जी और अचार लाए। अरे वाह, लीजिए। ये लो, तुम्हारी प्यारी भतीजी भी आ गई। भतीजी होगी आपकी, मेरी तो बेटी है, बेटी है ना। चाची जल्दी चलो। क्यों? मम्मी पापा के जल्दी लौट के आ गए शहर से। वो तो रात को आएंगे, टिंकू बता रहा था, सोनू मेरा दोस्त सोनू है ना, हाँ? उसको भूत ने पकड़ लिया। क्या नापशना बोल रही है, ये भूत भूत कुछ नहीं होता बेटा। चाची लेकिन टिंकू तो ओझा बाबा को लेने गया है। अच्छा तू ऐसा कर, तू स्कूल जाकर बोल दे कि आज छुट्टी है, मैं सोनू के घर जाती हूँ, और हाँ दवाई का डब्बा लेकर फटाफट सोनू के यहाँ पहुँच, ठीक है? और आप खाना खा लीजिए। खा तो रहा हूँ। ये क्या मजाक है, पूजा पाठ में विघ्न हो तो अनर्थ हो जाता है। हे भगवान। ओझा बाबा आप अपने मंत्र पढ़िए, मैं तो सिर्फ गिली पट्टी रख रही हूँ। हे मास्टर नी, ये तेरे सगुल का गणित नहीं, ये भूत प्रेत का मामला है, इसमें टांगनाड़ा तो ही ठीक रहेगा। बस बस कीजिए, एक मरीज के घर आकर उसे इस तरह से डराना उचित है क्या? मैंने इसे दवाई दे दी है, इसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा, होश आने पर इसे अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना। अरे ओ सुनुआ के बापू, काहे टुकर टुकर देख रहा है रे, हमें आपको मुंह देखने के लिए बुलवाया है, एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर तेरा बच्चा ना बचा तो हमसे ना कहना। ऐसा मत बोलो जो बाबा, रुकिए तो। अरे अब हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे, यहाँ तो मास्टरानी डॉक्टरनी बन गई है, देखते हैं ढंग से कैसे बचाती है तेरे बच्चे को। काकी एक बार मुझे भी सोनू की तरह तेज बुखार हो गया था, चाची ने मुझे दवाई दी और मैं ठीक हो गई। अच्छा? हाँ काकी, राम कसम। अरे जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ। देखा भावना, हमारे लोग किस तरह अंधविश्वास से घिरे हुए हैं, और ये कहानी हमारे गांव की नहीं बल्कि गांव गांव की है। ये ओझा जैसे लोग अपना पेट पालने के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं, असली भूत तो ये लोग हैं जो अनपढ़ लोगों के जहन पर कब्जा कर इन्हें अपने इशारों पर नचाते हैं। और लोग नाचते भी हैं चाची। हाँ बेटा, अफसोस इस देश की काया तभी पलटेगी जब तुम जैसे बच्चे बहुत सारी पढ़ाई करके इस सड़ी गली सोच में कमल की तरह नई उमंग और ताजगी पैदा करेंगे। करोगी ना भावना? हाँ चाची, मैं अपनी सभी सहेलियों से कहूंगी कि वो स्कूल जाके खूब पढ़ाई करें। शाबाश बेटा, घर आ गया, चल। अरे मेरे बच्चे को होश आ गया। सुनो, मेरे बच्चे को होश आ गया। लता ठीक ही कहती थी, दवा देने से बुखार टूट जाएगा। हाँ, और मैंने उनकी कितनी बेइज्जती की।
नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते काकी। आ गई मास्टरनी। पुरानी सोच के तो मैं भी नहीं हूँ, पर इस बांज को तो लाशरम बिल्कुल नहीं है। अपना बच्चा कर नहीं सकती, इसीलिए सारा दिन भटकती रहती भावना को लेके। अरे सास क्या मर गई, बिल्कुल आजाद हो गई है। रमा बहन, वो खुद तो आजाद है ही, दूसरों को भी आजादी का पाठ पढ़ाने लगी है। भाई उसका इस तरह से लिपस्टिक लगाना, हंसना हंसाना और दूसरी औरतों को उकसाना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। संभल कर रहना मालकिन, लोग कह रहे हैं कि अगले चुनाव में वो मास्टरनी आपकी कुर्सी छीन लेगी। अरे तू चुप कर, जूती में हीरे लगाने से उस सर का ताक थोड़े ना बन जाती है। और फिर इतनी हिम्मत किस में है जो गांव के जमींदार और उनके परिवार वालों से पंगा ले? और फिर कोई मुकाबला है क्या? कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। क्या बात है, गांव के लोग तुम्हारा बड़ा गुणगान कर रहे हैं। क्यों जी? अरे वो सोनू के माँ बाप मिले थे। अच्छा। कह रहे थे कि तुमने सोनू को वक्त पर दवा देकर उनकी सारी चिंता दूर कर दी। सोनू अब पहले से बेहतर है। शुक्र है भगवान का। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तुम गांव की सबसे बड़ी लिखी औरत हो, इसलिए गांव का सरपंच तुम्हें ये होना चाहिए। सरपंच? हा? और हम तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। आप भी ना। अरे भावना नजर नहीं आ रही। अरे मेरे बच्चे आजा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। आइए आइए ओझा, बैठिए बैठिए ना, आराम से बैठो ओझा। सुना है मैंने कि मास्टरनी ने आपके पेट में बहुत जोर के लात मारी है। लो लड्डू खाइए आप। अच्छा है, खा लीजिए खा लीजिए। सुना तो आपके बारे में भी बहुत कुछ है जमींदार साहब। बताइए। जाने दीजिए। अरे क्या सुना है हमारे बारे में? सुनने में आया है कि गांव वाले मास्टरनी को सरपंच बनाने की सोच रहे हैं। ये खाया है तुमने? लो खा लो, ये बहुत अच्छा है, उससे भी अच्छा ये है, खा लो। पांव की जूती अब सर का ताज बनने का सपना देख रही है, सरपंच बनने का सपना देख रही है। उसे ये नहीं पता कि हमारे सामने सर उठाने वाले का हम सर कुचल देते हैं। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, पता नहीं। अरे इतने परेशान क्यों हो रहे हो जी? हवा कुछ खराब चल रही है रमा। ये लता है ना लता? हाँ। तेरी सरपंची छीन कर। क्या? हाँ, मेरा इस गांव में बोलबाला बिल्कुल खत्म कर देना चाहती है। लेकिन सरपंच तो तुम ही रहोगी, तुम ही। मुझे बार बार सरपंच बनाने की इतनी जिद क्यों कर रहे हैं आप? अरे वो बेचारी बांझ है, इसलिए सारा दिन भटकती रहती है। पर गांव के ज्यादा लोग तो मास्टरनी को पसंद करते हैं। अरे उस डाइन ने बच्चों को पढ़ाने के बहाने उनके माँ बाप पर जादू टोना कर दिया है। जादू टोना? डाइन सब समझ गया। सब समझ गया। बच्चों, भगवान ने हमें इस धरती पर इसलिए भेजा है जिससे कि हम उनकी सुंदर रचना का आनंद उठा सके और
साथ ही साथ इसकी रखवाली कर सके, जिससे हमें हरे हरे खेत, स्वच्छ तालाब, नीला आकाश और हरियाली मिलती रहे। पर अफसोस की बात तो ये है कि हम पर्यावरण को नष्ट करके न केवल अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, बल्कि भगवान का भी अपमान कर रहे हैं। इसलिए बच्चों, खूब पेड़ लगाओ और पर्यावरण को नष्ट होने से बचाओ। शाबाश। मैडम जी, पेड़ से मुझे याद आया, कल रात को मैंने पेड़ पर एक बहुत बड़ा भूत देखा। अभी पढ़ते पढ़ते भूत कहाँ से बीच में आ गया? वो कल रात जब हम भैया की शादी से लौट रहे थे, एक भूत तो मेरे ऊपर ही कूद गया। अच्छा, कितना भारी था वो? ये भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। पर ओझा बाबा तो कहते हैं कि जब वो मंत्र फूंकते हैं तो सब भूत और डायन भाग जाते हैं। जो लोग अनपढ़ होते हैं उन्हें सच्चाई का पता नहीं होता। एक बार ज्ञान की रोशनी तुम्हारे दिमाग में प्रवेश कर गई, तो ये भूत खुद ब खुद छू मंतर हो जाएंगे। अरे भाई, वो पैसे भिजवाओ, जल्दी भिजवाओ। आओ ओझा, आओ बैठो बैठो। कैसी चल रही है वो तुम्हारी झाड़फूंक? अब काहे की झाड़फूंक, एक दिन की बात होती तो उस मास्टरनी को माफ कर देता, लेकिन अब तो वो रोज रोज गांव वालों को हमारे खिलाफ भड़का रही है। अजी, बड़ों बड़ों को तो छोड़िए, अब वो बच्चों के मन में भी हमारे खिलाफ कूड़ा भर रही है। तो फिर इसकी कोई काट? अगर इसकी कोई कमजोरी हाथ आ जाए, इसको तो मैं कैंचुओं की तरह सीधा कर दूंगा। तो हम तुम्हारी कुछ मदद कर दे ओझा जी। ओम इंक्लिंग चामुंडाय विच्छा, 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 ओम इंक्लिंग चामुंडाय विच्छा। आपने हमें बुलाया सरपंच जी? हाँ आओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। पूरे मोहल्ले में हल्ला है कि तुम्हारी दौरानी वांझ है। तो वो तुमसे तुम्हारी बेटी छीनना चाहती है। ये आप कैसी बात कर रही हैं सरपंच जी? वो तो भावना पर जान छिड़कती है जान, और इसमें बुराई क्या है? बुराई उस साधना में है जो कि वो हर अमावस को करती है। अमावस को तो वो काली माँ के मंदिर में पूजा करने जाती है। वही तो, और सुना है काली माता के मंदिर हर रोज तुम्हारी बेटी को लेके जाती है। तो क्या हुआ, मंदिर जाना कोई पाप है क्या? बहुत भोली हो तुम, बहुत भोली हो। अब मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊंगी जो सुनकर हैरान रह जाओगी। पंडित जी कह रहे थे कि तुम्हारी दौरानी जादू टोना करके अपना बच्चा पाना चाहती है, इसलिए माता को किसी बच्चे की बलि देकर उन्हें खुश करना चाहती है, और उसने बलि के लिए तुम्हारे बिटिया को चुना है। बस मेरा काम था तुम्हें समझाना, आखिर मैं सरपंच हूँ। अब तुम जानो तुम्हारा काम, तुम्हारी बिटिया है, अब जा सकती हो। हम नहीं मानते इस बात को, तुमने भावना को जन्म जरूर दिया है, लेकिन पाला उसे लता ने एकदम यशोदा माँ की तरह से। तुम शायद भूल रही हो, भावना की बीमारी के दिनों में कैसे लता ने रात रात भर जागकर उसकी सेवा की। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, पर माँ का दिल है ना, कोई हमारी बच्ची का अनिष्ट करना चाहे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। मुझे तो तुम्हारी सरपंच रमा के दिल में कहीं खोट नजर आता है, जरूर दाल में कुछ काला है। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। एक बार पंडित से पूछ लेते तो। हे भगवान, घूम फिर कर फिर वही बात। ठीक कहते हैं, हर मर्ज का इलाज है, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं। पंडित जी मुझे आशीर्वाद दीजिए ना कि मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आऊं। अरे आ जाएगी क्लास में फर्स्ट, दक्षिणा तो देती जा। लीजिए पंडित जी।
एक रुपए में भला कोई फर्स्ट आता है क्या? पंडित जी नमस्कार। आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे, आइए। वो अमावस्या की रात बच्ची की बलि देगी, दुर्भाग्य से वो रात आज ही है। नहीं, हम अपनी बेटी को माता की भेंट नहीं चढ़ने देंगे, हमने कहा था ना आपसे। नहीं, मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है। अब आप घर चलिए, हमारा तो जी घबरा रहा है। आज से हम लता को अपनी बेटी के पास भी नहीं भटकने देंगे, चलिए ना। पंडित, रिश्तों के जहाज में शक का छोटा सा छेद, अब इसके परिवार के जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ये लीजिए आप लोगों के लिए ताजा प्रसाद, लो बेटा लो। चाची और प्रसाद दोनों? बस अब और प्रसाद नहीं मिलेगा, ये प्रसाद तुम्हारे मम्मी पापा के लिए। चाची, मैंने दो बार प्रसाद इसलिए खाया क्योंकि मैंने माता से मन्नत मांगी थी कि मेरे सारे दोस्त गुल्ली डंडा छोड़ के पढ़ाई करें। शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान जी तुम्हारी जरूर सुनेंगे। भावना, भावना, क्या हुआ भावना? भावना ना बेटा, क्या हो रहा है भावना? अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? इसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, इसे फौरन डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मैं इसको लेकर घर चलता हूँ, तू ओझा बाबा को लेकर के जल्दी घर आ। मैं अभी भी कह रही हूँ इसको डॉक्टर के पास ले चल। बंद कर अपनी नौटंकी, अगर मेरी भावना को कुछ भी हुआ ना तो हम तुझे जिंदा गाड़ देंगे। काम हो गया जमींदार साहब, काम हो गया। मुबारक हो जा, मुबारक हो। इसीलिए तो मुर्गा लाया हूँ, अब खूब चिकन कोरमा बनाएंगे और खूब खाएंगे। अरे छोटू, पूजा का सामान तैयार रख, ओझा बाबा आ रहे। अरे क्या हुआ, काम आगे जा रही है, तुम परेशान क्यों? भावना की तबीयत अचानक खराब हो गई है और भाभी ओझा को बुलाने गई है। क्या हुआ उसे? पहले डॉक्टर को बुला के लाइए। ठीक है ठीक है, तुम भावना को देखो, मैं डॉक्टर को लाता हूँ।
कालका माई, जय कालका माई, हेलो, जय कालका माई, जय कालका माई, जय कालका माई। अच्छा, अरे इस पर तो किसी खतरनाक टैंड का साया है, उसके लिए हमें विशेष पूजा करनी होगी। जी बाबा। तू चिंता का ना कर बच्चा, ठीक हो जाएगी। आओ आओ, जय कालका माई, 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 जय कालका माई। फोन करा के उसे चिंता की शर्त सुनो कि रानी, बड़े बड़े भरते तेरा पानी। जय कालका माई, ले ले तेरा भोग, ले ले कालका माई, ले तेरा भोग, ले। फोन करा के उसे डॉक्टर साहब आ गए, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। देखो, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। जी डॉक्टर साहब, अभी मैं इसका एक इंजेक्शन दे रहा हूँ, बाकी दवा हॉस्पिटल चल के दे रहा हूँ। ओम कालका माई, जय कालका माई, तेरे दरवाजे से किसी ने पार ना पाई। जय कालका माई, 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 तेरे दरवाजे से किसी ने पार ना पाई। जय कालका माई, जय कालका माई, भगवान जिन्ना की शांत सुनो गिराई, बड़े बड़े भरते तेरे पानी। जय कालका माई, ले 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 तेरा भाव, ले। तुम भाभी और भैया को संभालो। अरे भाभी, क्या हुआ? सुना है कि ओझा को बुलाया है, सब ठीक ठाक तो है ना? वो भैया भाभी ने ओझा को बुलाया है। छोड़ो, इधर आ। भावना की तबीयत खराब है, मैं इसे अस्पताल ले जा रहा हूँ, तुम दुकान संभाल लेना, ठीक है? चलिए डॉक्टर साहब। नमो लेकिन बच्चे को बचाने का एक तरीका है। कौन सा तरीका है ओझा बाबा? हमें डैन को खत्म करना होगा। लेकिन वो डैन है कौन? वो डैन और कोई नहीं, वो तुम्हारी देवरानी है। डायन बता मेरी बच्ची कहाँ है, डायन बता मेरी बच्ची कहाँ है, तूने कहीं मेरी बच्ची को बलि तो नहीं चढ़ा दिया? नहीं नहीं, बता मेरी बच्ची कहाँ है, बता मेरी बच्ची कहाँ है। हर डायन यही कहती है, मैं डायन नहीं हूँ, लेकिन ये डायन है, है, है। अब तक तूने बलि तो दे दी हो। नहीं। और डायन कभी सच बोलती है क्या? तू डायन है, तेरे मुंह पर कालक पोत का है, तुझे गांव से निकालना होगा। ले जाओ उसे। ले चले इसे। ये डायन है जमींदार साहब, ये डायन है, डायन है हमारे गांव में, डायन। गांव वालों, हम गांव से बाहर ले जाकर मारेंगे। ले चलो, ले चलो।